हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। ये सेशन आपको ये बताने के लिए हाउ टू अटेम्प्ट MSTCT 2020 का एग्ज़ाम। यदि आप कोई मेन आपका मेन एग्ज़ाम आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, यदि आप कोई मॉक टेस्ट देने वाले हो और कोई टेस्ट सीरीज लगाया है और प्रैक्टिस टेस्ट देने वाले हो तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। आपको पता ही होगा कि MSTCT का जो ये पेपर होता है, इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। यदि आपने PCM लिया रहेगा तो पेपर 1 तो कॉमन है दोनों के लिए, PCM PCB दोनों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री। पेपर 2 यदि PCM लिया रहेगा तो मैथ्स रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। NPC और PCB लिया रहेगा तो बायो, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। सो दोनों पेपर आपको पता होगा 90 मार्क्स का होता है। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 2 में इफ आपने PCM लिया है तो 50 क्वेश्चन होते हैं, और PCB लिया रहता है तो 100 क्वेश्चन होते हैं। सो ये दोनों पेपर में से सबसे चैलेंजिंग पेपर अटेम्प्ट करने का रहता है पेपर 1, ठीक है, बिकॉज इसमें दो सब्जेक्ट है। सो मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करूंगा, अभी टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन। सो 50 क्वेश्चन फिजिक्स करेंगे, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री करेंगे। मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा आप पहले केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करो, बिकॉज केमिस्ट्री का पेपर इजी होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और रिएक्शन बेस्ड होते हैं, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ट्राई टू सॉल्व केमिस्ट्री का पेपर इन 30 to 35 मिनट्स, और आप सेकेंड पे पकड़ोगे तो एवरेज 36 to 42 सेकेंड पर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा कि बहुत कम है, बट आपको पेपर प्रैक्टिस और जो आप टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस, हम लोग जैसे आपको पता रहेगा टेस्ट सीरीज कोई 15 टेस्ट सीरीज देते हैं, कोई 20 टेस्ट सीरीज, ये सब स्पीड आपका टेस्ट सीरीज लगाने से ही बढ़ेगा। आपने समझो पूरा सिलेबस पढ़ लिया है PCM PCB के लिए, ठीक, आपको लगेगा कि आपको हर क्वेश्चन आ जाएगा, आपको हर क्वेश्चन तो आ जाएगा, बट आपके पास टाइम बहुत कम है टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री को आप जितना कम टाइम दोगे उतना ही टाइम आपको फिजिक्स के लिए बचेगा, बिकॉज फिजिक्स का जो पेपर होता है थोड़ा ट्रिकी होता है। फिजिक्स में 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। इसलिए आप, मुश्किल बात नहीं है, यहाँ पे आपको टाइम ज्यादा लग जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सोचना पड़ता है। यदि आप पहला फिजिक्स अटेम्प्ट करोगे तो क्या होता है कि हम ज्यादा एनर्जी फिजिक्स में लगा देते हैं, तो केमिस्ट्री का पेपर इजी रहता है तो वहां पे हम कम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और ओवरऑल स्कोर कम हो जाता है। इसलिए पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करिए, क्योंकि केमिस्ट्री में यदि आपको 50 में सब मान लो, यदि 45 क्वेश्चन भी राइट हो गए और फिजिक्स में समझो आपने 30 क्वेश्चन ही सॉल्व किए तो आपके स्कोर ज्यादा हो जाते हैं। वहीं फिजिक्स आपको ऑलरेडी टफ है, आपने उस पर पहले ही एनर्जी वेस्ट कर दी है, तो केमिस्ट्री का पेपर भी अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फोर्थ जो मेन पार्ट है, हम क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमको लगता है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, बट क्वेश्चन आना इम्पोर्टेंट नहीं, आप ये देखिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो और वो सॉल्व करो। यदि आपके पास टाइम बचता है देन आप जो क्वेश्चन छोड़े हुए उसको आप चेक करो। सेकेंड, पेपर 2 के लिए, पेपर 2 तो आपके पास टाइम बहुत दिया रहता है क्योंकि एक ही पेपर रहता है, इधर मैथ्स रहेगा और बायो रहेगा। मैथ्स रहेगा तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट का टाइम दिया है और 90 सेकेंड पर क्वेश्चन। ये मोस्टली सारे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम सॉल्विंग रहते हैं, कुछ एक दो तीन प्रॉब्लम रहते हैं जो आपको थोड़ा सा थियोरेटिकली पूछा रहेगा और फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, फॉर्मूला रिस्ट्रक्चर करके दिया रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हो तो जब कोई भी जो भी आपको पेपर दिया रहेगा सॉल्विंग के लिए, रफ पेपर और वर्ड पैड दिया रहता है, उसमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखो, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि हम सॉल्विंग के टाइम भी कुछ स्टेप घाई घाई में रॉन्ग कर देते हैं, तो रीचेकिंग के लिए इजी रहता है। बायो का पेपर तो टोटली थियरी बेस्ड रहता है। यदि आपने बायो की 11th 12th की गवर्नमेंट बुक वर्ड लाइन, हर चैप्टर की वर्ड, हर एक लाइन पढ़ी है अच्छे से, तो आपको बायो का पेपर इजी रहता है। ये मोस्टली थियरी बेस्ड रहता है, इसमें प्रॉब्लम 2 और 3 ही आते हैं। प्रॉब्लम मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ के आएंगे, आपका इसमें मियोसिस का काउंट पूछ सकता है, माइटोसिस का काउंट पूछ सकता है, DNA में वो AGCT का काउंट पूछ सकता है, ठीक है। तो ये एक दो प्रॉब्लम सिर्फ बायो में ऑन बेसिस ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरव्यू हाउ टू अटेम्प्ट MSTCT का जो मेन एग्जाम होता है, और कोई भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो मोर इम्पोर्टेंट यदि आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में, तो मोर इम्पोर्टेंट आप टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट करो, ठीक है। टेस्ट सीरीज रहेगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा,
ठीक है। सो ध्यान में रखो, पेपर वन में पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो और ट्राई करो मिनिमम टाइम में कवर करने का, ठीक है। ये स्पीड बढ़ जाता है जैसे ही आप टोटल 15 15 क्या आप 10 पेपर भी सॉल्व करते हो टाइम लगा के, तो आपका स्पीड बढ़ जाता है और धीरे धीरे आपका स्कोर भी बढ़ता है, ठीक है। पेपर में आपको कितना पढ़ा है कि सब, भले ही आप कोई भी टॉपर हो, आपने पूरा पढ़ के गए हो, पीसीएम पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ा है, वर्ड टू वर्ड पढ़ा है, बट आपका स्पीड नहीं रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे सीटी में। ये मेन पॉइंट है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस सेशन।